Assalamu alaikum aspirants. Today we will discuss Islamic history and culture, past paper 2020. और इसके 7 क्वेश्चन को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ मदीना. मुआहिदा मदीना की सियासी और मजहबी अहमियत बयान करें. द ट्रीटी ऑफ मदीना पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस. So, also known as the Constitution of Medina, was an agreement established by Prophet Muhammad, peace be upon him, in 622 CE between the Muslim immigrants, the Muslim residents of Medina, and the Jewish tribes living in Medina. So, Muahida Medina, जिसे दस्तूर मदीना भी कहा जाता है, ये 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कायम किया गया था. एक मुआहिदा था जो मुहाजरीन यानी मक्का से हिजरत करने वाले जो मुसलमान थे और इनसार यानी मदीना के मुसलमान, इनमें मदीना में रहने वाले यहूदी कबाइल के दरमियान ये मुआहिदा हुआ था. और ये मुआहिदा शहर के नज़्म व नस्क के लिए एक बुनियादी डॉक्यूमेंट था और इसकी सियासी और मजहबी बहुत ज़्यादा अहमियत थी. सो इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था, तारीखी पस मंज़र क्या था, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैरोकार थे वो मक्का से मदीना हिजरत कर गए थे ताकि ज़ुल्म सितम से बच सकें. सो कुफार उनके ऊपर ज़ुल्म सितम करते थे, इसी वजह से उन्होंने हिजरत की. और मदीना में मुख्तलिफ कबाइल जो थे वो रहते थे, जिसमें मुसलमान थे, यहूदी भी शामिल थे, और उन्हें आपस में तनाजात से बचने के लिए एक मुत्तहिद निज़ाम हुकूमत की ज़रूरत थी. सो अब हम डिस्कस करते हैं इसके पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस को, कि इसकी सियासी अहमियत क्या रही. फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट, इस्लामी रियासत की यह बुनियाद बना मदीना को. मुआहिदा मदीना ने मदीना में पहली जो इस्लामी रियासत थी उसकी बुनियाद रखी, जिसके सरबराह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे. एंड इट क्रिएटेड अ फेडरल सिस्टम वेयर डिफरेंट ग्रुप्स मुस्लिम्स एंड ज्यूज कुड मेंटेन देयर आइडेंटिटीज व्हाइल कोएग्जिस्टिंग अंडर वन पॉलिटिकल अथॉरिटी. और ये मुआहिदा जो था एक वफाकी निज़ाम की यह बुनियाद था, जहाँ मुख्तलिफ गिरोह मुसलमान और यहूदी अपनी शनाख्त बरकरार रखते हुए एक सियासी अथॉरिटी के तौर पर पुरअमन रह सकते थे. देन है यूनिटी एंड पीस, इतिहाद और अमन. यह मुआहिदा इतिहाद की भी अलामत था और अमन की वजह बना. मुआहिदे ने मुख्तलिफ कबाइल को मुतहद किया जो उस वक्त मदीना में रह रहे थे, यहूदी भी थे, मुसलमान भी थे और बाकी कबाइल के लोग भी थे. तो उनके दरमियान एक अमन का मुआहिदा यह साबित हुआ था और कबाइली झगड़ों का खत्म करते हुए मदीना में अमन कायम हो गया था इस मुआहिदे की वजह से. सो इस इज्तमाई सलामती पर जोर दिया, यानी अगर मदीना पर हमला हो तो तमाम फरीक मिलकर दिफा करेंगे, यानी आपस की दुश्मनी को ख़त्म कर दिया जाएगा. और अगर कोई मदीना के ऊपर हमला करेगा, ये यानी अहम जो नुक्ता था शामिल था इस मुआहिदा के अंदर, कि कोई भी दूसरा फरीक बाहर से आकर अगर मदीना पर हमला करेगा तो आपस के इतलाफात को बालातर रखते हुए तमाम कबाइल मिलकर उस हमले का मुकाबला करेंगे. देन इक्वल सिटीजनशिप. इसके अलावा इस मुआहिदे के अंदर था कि तमाम शहरियों को यानी बराबर रखा जाएगा, गैर मुस्लिमों चाहे खासतौर पर जो यहूदी हैं उनको मदीना के मसावी शहरी हकूक दिए गए और उन्हें भी वैसे ही जिम्मेदारियाँ आयद की गई जैसे कि मुसलमानों के ऊपर थी. सो ये मुआहिदा जो था ये तमाम जो यानी रहने वाले थे वहाँ पर लोग उनके लिए इंसाफ और बराबरी को यकीनी बनाता था, चाहे उनका मजहब या कबीला कुछ भी हो. देन रिलीजियस इंपॉर्टेंस. फिर है इसकी मजहबी अहमियत. रिलीजियस फ्रीडम क्या थी, इसकी मजहबी आज़ादी. तो इस मुआहिदे ने यहूदियों को अपने मजहब की आज़ादाना तौर पर अमल करने की इजाज़त दी और मुसलमानों की जानिब से किसी किस्म की मदाखलत ना होने की यकीन दहानी करवाई. सो इससे इस्लाम में मजहबी रवादारी के असूल को फ़रोग मिला, मुस्लिम मजाहब के दरमियान पुरअमन बकाए बहमी की मिसाल कायम हुई. देन सपोर्ट फॉर द मुस्लिम कम्यूनिटी. फिर इसके अलावा मुसलमानों के लिए यानी उसको सपोर्ट मिली फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड लेगिटिमेसी अलोंग देम टू प्रैक्टिस इस्लाम ओपनली विदाउट फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन. और ये जो मुआहिदा था मुसलमानों के लिए सिक्योरिटी और इसके अलावा कानूनी हैसियत ये यानी फराहम करता था, और ताकि वो मदीना में इस्लाम को खुलेआम तौर पर और बग़ैर खौफ के वो अमल कर सकें. और मुस्लिम कम्युनिटी के क़याम का आगाज़ भी था जिसमें मजहबी और समाजी जिम्मेदारियाँ भी मुश्तरक थी, एक जैसी थी. देन देखते हैं हम प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ रोल मॉडल, एज अ लीडर. तो हज़रत वसल्लम ने क़्यादत की थी मदीना में. मुआहिदे ने हज़रत मोहम्मद वसल्लम के सियासी और कानूनी रहनुमा होने की हैसियत को भी तस्लीम किया था, ना सिर्फ रूहानी रहनुमा के तौर पर. सो इस दौरी हैसियत ने मजहब और हुकूमत को नई इस्लामी रियासत में यकजा किया. सो द ट्रीटी ऑफ मदीना वॉज अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन बोथ पोलिटिकल एंड रिलीजियस टर्म. इट क्रिएटेड अ मॉडल फॉर गवर्नेंस दैट एम्फसाइज पीस, यूनिटी एंड रिलीजियस फ्रीडम वाइल लेइंग द फाउंडेशन फॉर द इस्लामिक स्टेट इन मदीना.
मौजूदा मदीना सियासी और मजहबी दोनों लिहाज से एक अहम संग मील था, जिसने अमन, इतिहाद और मजहबी आजादी के ऊपर मबनी एक हुकूमती मॉडल कायम किया था और मदीना में इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। सो इसके इंसाफ और तावन के असूल आज भी जदीद हुक्मरानी और बैन अलमजाहब जो ताल्लुकात हैं, इंटरफेथ रिलेशन हैं, उनके लिए एक मिसाल है। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शेड लाइट ऑन द नॉलेज एंड ब्रेवरी ऑफ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इन द बैटल फील्ड, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की मैदान जंग में इल्म और बहादुरी के ऊपर रोशनी डाले। हजरत अली इब्ने तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु द कजन एंड सन इन लॉ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ज़ेवर्ड फॉर हिज इमेंस नॉलेज एंड अनपैरेलल्ड ब्रेवरी, सो हिज कंट्रीब्यूशंस इन बैटल्स एंड लेजेंडरी इन हिज विजडम आर वाज की इन गाइडिंग द अर्ली इस्लामिक कम्युनिटी। सो हजरत अली इब्ने तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचाजात थे, दामाद थे, उन्हें अपने बेपना इल्म और बेमिसाल बहादुरी के लिए, यानी कि वो मशहूर थे और आप जंगों की खिदमत भी बेहद काबिल कदर हैं और आपकी हिकमत और दनाई ने भी इब्तदाई सलामती मुआशरे की रहनुमाई में अहम किरदार अदा किया। सो उनका इल्म की बात करते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उनमें हिकमत थी, फहम व फराज़ थी, यानी इस्लामी जो तालीमात थी और शरीयत थी उनकी वो गहरी समझ बूझ रखते थे, कुरान और हदीस का वसी इल्म था उनके पास और आप सल्लम और सहाबा कराम आपसे अक्सर मसाइल में मशावरत भी करते थे। देन टाइटल ऑफ द गेट वे टू नॉलेज बाबुल इल्म का लकुम, सो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बाबुल इल्म यानी इल्म का दरवाज़ा कहा था। सो आपके फैसले हमेशा मुनसफाना और दानिशमंदाना होते थे, ख़ास तौर पर जब आप चौथे खलीफा के तौर पर आपने खिदमत सारी चाहिए। सो अब हम उनके ब्रेवरी को डिस्कस कर लेते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह मैदान जंग में बहादुरी वो किस तरह दिखाते थे, वॉरियर इन मेजर बैटल्स, अहम जंगों में जंगजू थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में लड़ी जाने वाली तकरीबन तमाम बड़े जंगों में शिरकत की, जैसे बदर, अहद और खंदक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो यानी जंगें लड़ी गईं उन जंगों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शिरकत की और आपकी जंगी महारत और बहादुरी ने मुस्लिम कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ में भी अहम किरदार अदा किया। देन बैटल ऑफ बदर, ग़ज़वा बदर, सो ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्लेड अ क्रूशियल रोल पर्सनली डिफीटिंग सेवरल की एनिमीज ऑफ इस्लाम। ग़ज़वा बदर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अहम किरदार अदा किया और इस्लाम के कई बड़े दुश्मनों को अनफरादी मुकाबलों में शिकस्त दी। सो हिज ब्रेवरी इन दिस बैटल अर्न हिम ग्रेट रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। सो उनकी उसकी जंग में आपकी बहादुरी ने आपको बहुत इज्जत दी और शोहरत दी। उसके बाद ग़ज़वा खंदक की बात करते हैं, खंदक की जो जंग थी तो ग़ज़वा खंदक में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर बिन अब्द जो दुश्मन का एक मशहूर जंगजू था उसको शिकस्त देकर अजीम बहादुरी का मुजाहरा किया था। सो हिज सिंगल कम्बैट विक्ट्री वाज़ अ टर्निंग पॉइंट इन द बैटल प्रिवेंटिंग अ ब्रीच इन इस्लामिक डिफेंसेस। आपकी यह फतह जंग में एक अहम मोड़ साबित हुई और दुश्मन मुसलमानों की दिफाई लाइन को तोड़ने में नाकाम रही। सो अब हम देखते हैं द बैटल ऑफ खैबर, ग़ज़वा खैबर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुसलमानों की फौज की क़यादत की जिम्मेदारी दी गई थी और आपके जो मशहूर कारनामे थे उनमें किले के दरवाजे को तोड़ना था, दुश्मन को शिकस्त देना था, जिसने आपकी जंगी सलाहियतें और बेखौफी को भी मजीद मजबूत कर दिया। सो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो अजीम वो शख्सियत थी, जो अपने गहरे इल्म और बेमिसाल बहादुरी के लिए वो मशहूर थे और उनकी हिकमत ने मुस्लिम मुआशरे की रहनुमाई की, जबकि आपके मैदान जंग में जो शुजात थी, बहादुरी थी, उसने इस्लाम की इब्तदाई फतवात में बहुत अहम किरदार अदा किया। सो आपकी इल्मी और जंगी खिदमत ने इस्लामी तारीख में एक लाजवाब वरसा भी छोड़ा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द मेजर रीजंस ऑफ द फॉल ऑफ द उमैया डायनेस्टी इन 132। सो उमवी खिलाफत के सकूत जो था यानी 132 हिजरी की अहम वजूहात बयान करें। सो उमवी खिलाफत जिसने 661 ईस्वी से 750 ईस्वी तक इस्लामी खिलाफत पर हुक्मरानी की, फिर वो दाखिली और खारजी अवामिल के मजमू की वजह से जवाल पजीर हो गए। तो इसके जवाल की कुछ वजूहात को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें है इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स और करप्शन। इनकी जवाल की बड़ी वजह थी दाखिली तनाजात और करप्शन, कबायली दुश्मन थी इनकी। तो उमवी खलीफा जो थे वो ज़्यादातर कुरैश के कबीले से थे और वो अपने कबीले के अफराद को ज़्यादा तरजीह देते थे, जिससे दूसरे अरब कबायल में अदम इत्मीनान पैदा हुआ। तो उमवियों की अरबों को गैर अरबों पर जो तरजीह थी उसने इस तरजीह देने की पॉलिसी ने मुस्लिम माशरे में इख्तलाफात पैदा कर दिए और इसके अलावा करप्शन थी और यानी ऐशो इशरत थी। बाद के जो उमवी हुक्मरान थे उन्होंने दौलत और ऐशो इशरत पर ज़्यादा
तवज्जो दी और जिससे यानी करप्शन और नाकस हुक्मरानी फैल गई, पुअर गवर्नेंस फैल गई। सो इस करप्शन ने मुस्लिम आबादी में हुक्मरानों से एतमाद और जो एहतराम था उसको ख़त्म कर दिया। सो ऑपरेशन फॉर नॉन अरब, गैर अरबों के ऊपर जुल्म सितम किए गए, गैर अरब जो मुसलमान थे उनके साथ फ़र्क किया गया, उनके हुक्मरानों को अरबों की तरफ झुकाव रखने की तरफ के तौर पर उनको देखा जाता था और वो गैर अरब मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी समझते थे, हालांकि उन्होंने इस्लाम कबूल भी कर लिया था, इसके बावजूद भी उनको दूसरे दर्जे का शहरी तसव्वुर किया जाता था। इसके अलावा ज़्यादा टैक्सों का जो बोझ था यानी गैर अरब मुसलमानों पर भारी टैक्स आयद किए गए कि इस्लाम कबूल करने के बाद भी उनके पास उनके ऊपर ये टैक्स रहे और इस गैर मुनसफाना सलूक ने मजीद इत्मीनान और मुखालफत को पैदा कर दिया। तो ये सारी वजूहत थी जो कि उम्मी खानदान के जवाल की वजह बनी। उसके बाद है इसके अंदर अब्बासी तहरीक का अरूज हुआ, यानी स्पोर्ट फॉर डिसकंटेंटेड जो ग्रुप थे, नाराज ग्रुहों की हमायत की गई। अब्बासी खानदान ने गैर अरब मुसलमानों, शिया ग्रुहों और दूसरे जो मुखालफिन थे उनमें जो नाराजगी पाई जाती थी उनका फ़ायदा उठाया। And they built a strong coalition of the dissatisfied groups, including Persians and supporters of the Prophet family, promising their treatment and equality. और उन्होंने इन नाराज ग्रुपों जैसे ईरानी और अहले बैत के हामियों के साथ मिलाकर एक मजबूत इतिहाद बनाया और इंसाफ और बराबरी का वादा किया। Then military rebellion, फौजी बगावत, अब्बासियों ने अबुल अब्बास की क्यादत में और उनके जनरल अबू मुस्लिम की मदद से उमियों के खिलाफ कामयाब फौजी कंपेन्स की और 750 ईस्वी में होने वाले जो मारका था जाब उम्मी अफवाज की शिकस्त का ये नुक्ता अरूज था, जिसके बाद उम्मी खिलाफत का खात्मा हो गया। देन इकोनॉमिक डिक्लाइन, फिर इक्तसादी तौर पर जवाल आया, यानी जरूरत से ज्यादा फैलाव था उम्मी खिलाफत का, बहुत ये वसी हो चुकी थी तो जिसका दायरा स्पेन से लेकर वस्ती एशिया तक फैला हुआ था और उसे मुसद तरीके से हुकूमत करना उसके ऊपर मुश्किल हो गया था क्योंकि ये एरिया बहुत बढ़ गया था और इस इतने बड़े एरिया के ऊपर कंट्रोल रखना और इंतजाम को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। तो ये भी एक वजह थी जो कि अमीर खानदान के हुक्मरानी की जवाल की वजह बनी थी। ठीक है, और अब हम देखते हैं इसके फाइनेंशियल यानी मिसमैनेजमेंट थी, ये भी एक बड़ी वजह थी उनके जवाल के अंदर। माली बद इंतजामी थी, यानी वसायल जो थे वो अक्सर गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाते थे और दौलत और शराफिया में ये यानी कि इसके ऊपर तवज्जो दी जाती थी, जिससे आम लोग जो सिपाही थे वो नाराज हो गए। देन रिलीजियस अपोजिशन, मजहबी तौर पर मुखालफत का सामना करना पड़ा, शिया और खवारिज की मुखालफत थी, यानी उबियों को मुसलसल शिया की तरफ से मुखालफत का सामना रहा जो ये मानते थे कि क्यादत को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से होना चाहिए और खवारिज की तरफ से भी जो उम्मी खिलाफत को मुस्तरद करते थे। तो इन मजहबी ग्रुपों ने कई बगावतें की जिससे उम्मी खिलाफत की अथॉरिटी कमजोर हो गई। तो ये थी वजूहत जो उम्मी खिलाफत के जवाल की वजह बनी। दाखिली तनाजात थे, समाजी अदम मसावत थी, इक्तसादी बंद इंतजामी थी, गैर अरब मुसलमानों और मजहबी ग्रुहों को बढ़ती हुई मुखालफत का नतीजा थी और अब्बासियों का अरूज जो नाराज ग्रुहों के यानी वतनों इतिहादी के हमायत से हुआ, उम्मी हुक्मरानी के खात्मे और अब्बासी खिलाफत की आगाज की ये वजह बना। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बैतुल माल मैनेजमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज, डिस्कस इट्स इंपैक्ट। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में बैतुल माल के इंतजाम को बयान करें, उसके असरात के ऊपर भी गुफ्तगू करें। सो खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लामी तारीख की सबसे मुनसफाना और मतकी हुक्मरानों में शुमार किया जाता है और उन्होंने 717 से 720 ईस्वी तक उम्मी खिलाफत पर हुक्मरानी की और उनका जो बैतुल माल था यानी अवामी खजाना का इंतज़ाम था वो इंसाफ, शफाफियत और शहरियों की बहबूद की फिक्र से भरा हुआ था और उनकी असलाहत का मईशत और माशरत के ऊपर बड़ा असर हुआ। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि क्या रिफॉर्म्स किए गए बैतुल माल के इंतजाम में, किस तरह से असलाहत की गई और करप्शन का खात्मा किया गया, तो इसके लिए क्या इकदाम किए गए थे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अवामी फंड्स के गलत इस्तेमाल को रोका, उन्होंने करप्शन को सख्ती से ख़त्म कर दिया और उन्होंने यकीनी बनाया कि दौलत लोगों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल हो, ना कि हुक्मरान तबके की ज़ाती ऐशो इशरत के लिए। इसके अलावा इसमें दौलत की मुनसफाना तकसीम की गई, उन्होंने इज्तमाई इंसाफ के इस्लामी असूलों पर अमल करते हुए टैक्स और इसके अलावा जंग के माल गनीमत और बाकी ज़राए से हासिल होने वाली जो दौलत थी उसको ज़रूरतमंदों में मुनसफाना तौर पर तकसीम कर दिया। सो ज़कात और चैरिटी एंड अदर रेवेन्यूज वर केयरफुली मैनेज टू प्रोवाइड फॉर द पुअर ऑर्फन्स एंड विडोज़। ज़कात और बाकी आमदनी को मोहतात अंदाज में मुनज़्ज़म किया ताकि गरीबों, यतीमों और बेवाओं की मदद की जा सके। देन रिडक्शन ऑफ अननेसेसरी टैक्सेस,
इसके अलावा उमर बिन अब्दुल अजीज की तरफ से गैर जरूरी टैक्सों में कमी की गई। उन्होंने लोगों के ऊपर आए गैर जरूरी और गैर मुनसफाना टैक्सों में कमी की, खासतौर पर गैर मुस्लिमों के ऊपर जो पिछले हुक्मरानों के दौर में ज्यादा टैक्सों का शिकार थे। और इन टैक्सों में कमी ने एक ज्यादा मुनसफाना और एक मतवाजन एक बैलेंस माली निज़ाम को यकीनी बनाया, जिससे मईशत मजीद मुस्तहकम हुई। सो दैट रिलीफ एंड लैंड रिफॉर्म, कर्ज माफी और एराजी असलाहत। तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने माली मुश्किलात का शिकार लोगों को यानी कर्ज माफी दी, उन्होंने एराजी असलाहत की, लैंड रिफॉर्म्स की, ताकि जमीन को मुनसफाना तौर पर तकसीम किया जाए और बड़े जमींदार छोटे किसानों का इस्तेसाल ना करें। अब हम देखते हैं कि बैतुल माल रिफॉर्म के इम्पैक्ट्स को। सो बैतुल माल के असलाहत के असरात क्या थे? तो इसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई, मुआशी खुशहाली आई, दौलत की मुनसफाना तकसीम और टैक्सों में कमी की वजह से खिलाफत की मजमू मीशत बेहतर हुई। और इन असलाहत के नतीजे में खुशहाली आई। जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने भी ये नोट किया कि कुछ इलाकों में खैरात लेने के लिए गरीब लोग बाकी नहीं रहे। तो उसके बाद इसके इम्पैक्ट थे सोशल जस्टिस के ऊपर, इज्तमाई तौर पर इंसाफ कायम करने में मदद मिली, बहबूद के ऊपर यानी तवज्जो देने और ये यकीनी बनाने के कि दौलत गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुंचे, और खिलाफत ने समाजी आम आंगी लाई। सो लोगों ने एक हुकूमत के लिए ज्यादा एतमाद और एहतराम महसूस किया, क्योंकि उनकी जरूरत का इंसाफ से ख्याल रखा जा रहा था। देन एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, इसके अलावा इसका क्या इम्पैक्ट था कि बैतुल माल के अंदर रिफॉर्म्स करने की वजह से गुर्बत का खात्मा हुआ। बैतुल माल के वसायल मौसर इस्तेमाल की वजह से उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में गुर्बत में काफी हद तक कमी आई। सो हिज पॉलिसीज इंश्योर्ड दैट इवन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स लाइक ऑर्फन्स, विडोज एंड नॉन मुस्लिम्स रिसीव्ड सपोर्ट। उनकी पॉलिसी ने यह यकीनी बनाया कि हत्ता के नजरअंदाज किए गए गिरोह जैसे यतीम, बेवा और गैर मुस्लिम भी मदद हासिल कर सकें। देन स्ट्रेंथनिंग ऑफ इस्लामिक वैल्यूज, इस्लामिक इकदार की मजबूती हुई। उमर बिन अब्दुल अजीज की पॉलिसी ने इंसाफ, मुनसफाना सलूक और रहमदिली की हकीकी इस्लामी इकदार की अकासी की, और उनकी हुक्मरानी इस्लामी हुकूमत की मिसाल बन गई। और ये जो अवाम की खिदमत और इखलाक इकदार के तहफ़ के ऊपर भी मबनी होनी चाहिए। सो खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में बैतुल माल के इंतजाम, इंसाफ, शफाफियत और समाजी बहबूद पर तवज्जो देने के साथ ये नुमाया थे। सो इनकी असलाहत ने मुआशी खुशहाली, गुर्बत में कमी और इज्तमाई इंसाफ के क्याम की राह हमवार की। सो उनकी क्यादत इस्लामी तारीख में अच्छे हुक्मरानी का एक नमूना बन गई। सो सेक्शन टू में हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, के हाईलाइट द इंपैक्ट्स ऑफ द क्रसेड्स ऑन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। स्लेबी जंगों के मुसलमानों और ईसाइयों पर असरात को हाईलाइट करें। सो इंपैक्ट्स ऑफ द क्रसेड्स ऑन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, अब्बासियों और मुसलमानों के दरमियान मजहबी जंगों का सिलसिला थी स्लेबी जंगें, जो बुनियादी तौर पर मुकद्दस सरजमीन यानी यरूशलम पर कंट्रोल करने के लिए लड़ी गई थी। ठीक है, और इन जंगों के दोनों मुस्लिम और ईसाई जो मुआशरे थे उनके ऊपर इसके बहुत ज्यादा असरात मुरतब हुए, जिन्होंने उनकी मईशत, उनकी सकाफत, उनके रवाबित को सदियों तक मुतासर किया। अब मुसलमानों के ऊपर इसके असरात देखते हैं, मिलिट्री और पोलिटिकल लॉसेस, फौजी और सियासी नुकसान हुए। इनिशियली मुस्लिम इलाकों पर हमले किए गए और यरूशलम को स्लेबू ने कब्जे में ले लिया। फिर सलाहुद्दीन अयूबी जैसे रहनुमाओं की क्यादत में मुसलमानों ने आखिरकार फिर कंट्रोल हासिल कर लिया था, और जिसमें 1187 ईस्वी में यरूशलम का दोबारा कब्जा एक बड़ी फतह थी। तो सलेबी जंगों ने बाद मुस्लिम रियासतों को कमज़ोर कर दिया, लेकिन उसके साथ ही ये मुसलमानों को अपनी सरजमीन के दिफा के लिए मुतहद होने का मौका भी फराहम कर दिया। इसके अलावा दूसरा इम्पैक्ट बढ़ा कि मुआशी तौर पर खलल आया, इकोनॉमिक डिसरप्शन हुई। लिवांट में मुस्लिम ज़मीनें मुसलसल जंगों और तबाही की वजह से इक्तसादी तौर पर मुतासर हुई, और तजारती जो रास्ते थे वो मुतासर हुए, ज़राई ज़मीनें तबाह हो गईं, जिससे बहुत से लोगों का रोज़गार जो था वो मुतासर हुआ। फिर कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज, काफ़ी इल्मी तबादला हुआ, यानी तनाज़े के बावजूद मुसलमानों और यूरोपियों के दरमियान सकाफ़ती तबादला हुआ, और यूरोपियों ने यानी इस्लामी दुनिया के जदीद अलूम, इसके अलावा मेडिसन, तिब और फलसफे से सीखा, जो बाद में यूरोपी निशात एहसानिया के ऊपर असरअंदाज हुआ। देन स्ट्रेंथनिंग ऑफ इस्लामिक आइडेंटिटी, इस्लामी शनाख्त की मजबूती। जो स्लेबी जंगों ने इस्लामी इतिहाद और शनाख्त के एहसास को मजबूत किया, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों के मुसलमान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए इकट्ठे हुए, और इसने मुस्लिम दुनिया में फौजी हिकमत अमलियों और दिफाई हिकमत अमलियों की तरक्की की हौसला अफजाई भी की। ये मुसलमानों के ऊपर स्लेबी जंगों के असरात थे, कुछ नेगेटिव भी थे और कुछ पॉजिटिव असरात भी थे। तो अब हम देखते हैं कि ईसाइयों के ऊपर क्या असरात थे इन स्लेबी जंगों के, मजहबी और फौजी
नाजील था, यानी सलेबी जंगें इब्तदाई तौर पर मुकद्दस सरजमीन को दोबारा हासिल करने के लिए ये शुरू हो गई थी, और इसमें जो मजहबी जोश खरोश था ये जोश खरोश से भरी भरी हुई थी। जबकि कुछ सलेबी जंगों में इलाके पर कब्जे करने में कामयाबी मिली, लेकिन ज्यादातर नाकामी की सूरत में ये खत्म हुई, और यरूशलम पर मुस्तकिल ईसाई जो थे वो कंट्रोल कायम करने का तवील मदती हदफ हासिल ना हो सका। देन इकोनॉमिक एंड ट्रेड बेनिफिट्स, और इसके अलावा इसमें यानी मुआशी और तजारती फायदे हुए सलेबी जंगों ने यूरोप और मशरक़ वस्ती के दरमियान नए तजारती रास्ते खोले, जिससे तजारत में इजाफा हुआ और यूरोपी ताजरों को मिसाल रेशम और बाकी ऐशो इशरत की अशिया तक रसाई हासिल हुई, जिससे यूरोपी मईशत को फ़रोग मिला। और इसके बाद कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस था, यानी सलेबों ने मुस्लिम दुनिया के जदीद इल्म से रबता कायम किया और नई साइंसी तिबी और फन तमीर के ख्याल वापस लाए। सो दिस कंट्रीब्यूटेड टू द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ इन यूरोप एंड हेल्प स्पार्क द रिनेसेंस। तो ये यूरोप में इल्मी तरक्की में मददगार साबित हुआ और निशात सानी की शुरुआत में अहम किरदार अदा किया। अब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल चेंजेस इन यूरोप, यूरोप में सियासी तब्दीलियाँ। तो सलेबी जंगों ने यूरोप में फ्यूडल निज़ाम को कमज़ोर कर दिया, और क्योंकि बहुत से जो शवालिया और निबला थे वो अपनी दौलत खो बैठे थे या फिर हलाक हो गए थे, तो बादशाहों ने मजीद ताकत हासिल की क्योंकि उन्होंने इख्तियार को मरकजियत दी। ठीक है, उन्होंने सेंट्रलाइज अथॉरिटी दी, यानी इख्तियार को मरकजियत दी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो ताकतवर थे कौमें उनकी रियासतों का अरूज हुआ, वो रियासतें उभरी। सो सलेबी जंगों ने मुसलमानों और ईसाइयों दोनों के ऊपर अहम असरात मरतब किए, और मुसलमानों के लिए उसने सियासी और फौजी चैलेंजेस पैदा किए, लेकिन उसके साथ ही इतिहाद और सकाफती तबादले के भी राहवार की। सो ईसाइयों के लिए उसने मजहबी जोश खरोश को उभारा और इकतसादी और सकाफती यानी जो भी मौके थे वो फराम किए, जबकि यूरोपी सियासी ढांचे में भी तब्दीली की। तो दोनों जानब से ऐसे दोरस ताज मिले जो उनके तारीखी और बामी तमालात की तश्कील में सदियों तक असरअंदाज होते रहे। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल कंट्रीब्यूशन ऑफ द मुस्लिम्स टू नेचुरल साइंस इन अब्बासी पीरियड। अब्बासी दौर में मुसलमानों के कुदरती अलूम में किरदार पर तफसील से बात करें। सो अब्बासी दौर में मुसलमानों के कुदरती अलूम में क्या किरदार था? अब्बासी दौर जो था उसमें मुसलमानों ने अपने कुदरती अलूम के मुख्तलिफ शोबों में काफ़ी किरदार अदा किया, और उसके बाद अब्बासी खुलफा खासतौर पर जो बगदाद में यानी उल्म और तहकीक को फ़रोग दिया गया, जिसके नतीजे में जो ज़हनी नशोनुमा थी उनका एक सुनहरी दौर शुरू हुआ। तो इस दौर में मुसलमानों के कुदरती अलूम में अहम किरदार को हम डिस्कस करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लर्निंग सेंटर्स, तालीमी मराकज़ कायम किए गए, हाउस ऑफ द विजडम। तो यानी इसके अंदर जो दारुलहुकूमत था बैतुल हिकमा, तो अब्बासी खुलफा जो थे खासतौर पर खुलफा हारून रशीद और खुलफा मामून, इन्होंने बगदाद में दारुलहुकूमत कायम किया, और ये इंस्टीट्यूशन जो था ये यूनानी फारसी और हिंदी साइंसी मतवन के अरबी में तर्जमे के लिए काफ़ी अहम मरकज़ के तौर पर काम करता रहा, और जो कुदरती अलूम जैसे कि इल्म फल्क और तिब और रियाजी में इल्म की तरवीज की वजह बना। सो अब हम देखते हैं कि जो एस्ट्रोनॉमी के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन रहीं और कौन सी अहम शख्सियात थी। तो अल-बतानी ने इल्म के अंदर एस्ट्रोनॉमी के इल्म में अहम किरदार अदा किया, सूरज के साल और चांद की हरकत के जो कैलकुलेशन थी इसके ऊपर उन्होंने वो बेहतरी लाए, और उसने सूरज के साल की दुरुस्त पैमाइश की, और जो एस्ट्रोनॉमी का इल्म था उसमें उसके अंदर यानी कि वो मसलसात की तरक्की में उन्होंने हिस्सा लिया। और इसके अलावा जो बाकी यानी कि अहम शख्सियत इब्न अल हसीम की, इब्न अल हशीम अपनी बसरियात और इल्म फल्क के ऊपर काफ़ी काम के लिए मशहूर हैं, ख़ासतौर पर जो रोशनी और बसीरत के ऊपर उनकी किताब है। तो उन्होंने तजारती तरीक़ाकार के ज़रिए साइंसी तरीक़ाकार की बुनियाद भी रखी, ख़ासतौर पर रोशनी के रवैये का मुताला करते वक्त। उसके बाद हम देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन टू मेडिसन टिप में क्या किरदार रहा। तो अल राजी मुस्लिम दुनिया के एक अजीम तबीब थे जो तिब और केमिस्ट्री में अपनी शराखतों के लिए मशहूर हैं। तो उन्होंने जो उनकी किताब थी यानी कि अल हावी, इसकी एक तिबी इंसाइक्लोपीडिया लिखी, और छोटी बीमारियों जैसे कि आबादी और खसरा की तशखीस में इब्तदाई तरक्यात उन्होंने की। और इसके अलावा जो इसमें इब्न सीना ने मशहूर तिबी किताब अलशफा लिखी जो यूरोप में सदियों तक इस्तेमाल होती रही। उनके काम ने अद्वियात इंसानी जिस्म की साख और इसके अलावा जो बीमारियों के इलाज के लिए बुनियादी असूल कायम किए।
देन कंट्रीब्यूशन टू केमिस्ट्री, फिर केमिस्ट्री में इनका किरदार देखते हैं, जाबिर बिन हियान थे, जाबिर बिन हियान की केमिस्ट्री, जाबिर बिन हियान को केमिस्ट्री का बाप कहा जाता है, जिन्होंने किमई अमल, जैसे कि किमई अमल था यानी केमिकल प्रोसेस, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन और एवोपरेशन के अंदर उन्होंने यानी कि रोल प्ले किया। उन्होंने तजुर्बात के लिए नए आलात इंट्रोड्यूस करवाए और जदीद कीमियाई तहकीक की भी बुनियाद रखी। देन कंट्रीब्यूशन टू फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स, इसमें इब्न अल हसीम थे, इल्म फल्क के अलावा, एस्ट्रोनॉमी के इल्म के अलावा, इब्न अल हसीम ने बसरियात में इनकलाबी किरदार अदा किया और उन्होंने रोशनी की जो यानी कि रिफ्लेक्शन थी यानी रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड का मुताला किया, जिसने बसीरत की असूलों को समझने में मदद की यानी प्रिंसिपल ऑफ विजन्स को समझने में मदद की। सो हिज एक्सपेरिमेंट्स लीड टू सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, पार्टिकुलरली अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लाइट। उनके तजर्बात ने तबियात के शोबे में नुमाया तरक्यात की, खासतौर पर रोशनी की नौयत को समझने में। अब हम देखते हैं कंट्रीब्यूशंस टू मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में कंट्रीब्यूशंस की अल-खवारिज़्मी ने, अल-खवारिज़्मी को अलजबरा का बाप माना जाता है, उन्होंने अल-किताब अल-मुख्तसर फी हिसाब अल-जबर वल-मुकाबला नाम की किताब लिखी थी जो अलजबरा की बुनियाद यानी फराहम करती है, और उनका काम जो था वो रियाजी में एल्गोरिथम्स की तरक्की में काफी मददगार साबित हुआ, जो आज की कंप्यूटर साइंस में एक अहम कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा उमर खयाम थे, उमर खयाम ने ज्योमेट्री में अहम किरदार अदा किया और इस्लामी कैलेंडर को दुरुस्त करने में यानी काम किया, उसको बेहतर बनाया। सो उन्होंने जो मकब मसावात के हल पर भी काम किया और अलजबरा में तरक्यात की। देन इम्पैक्ट्स ऑफ मुस्लिम कंट्रीब्यूशंस ऑन नेचुरल साइंस, मुसलमानों की कुदरती उलूम में क्या किरदार रहा, उसके क्या असरात थे। अब्बासी दौर में मुसलमान उलमा के काम ने इस्लामी दुनिया और इसके इसमें जो यानी कि इस्लामी दुनिया और जो कुरान वस्ता थी उसके यूरोप में साइंस की तरक्की के ऊपर काफ़ी गहरा असर डाला था। सो मुस्लिम साइंसदानों की जो तर्जमा करदा किताबें थी यानी असली शराखतें थी, वो बाद में यूरोप में मुंतकिल हुई, जिसने यूरोपीय निशात सानिया को जन्म दिया। सो मुस्लिम स्कॉलर्स ने अब्बासी दौर में कुदरती उलूम, जिसके अंदर नेचुरल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये साइंस यानी कि नेचुरल साइंसेज जो शामिल थी, उनकी तरक्यात ने न सिर्फ इस्लामी दुनिया के ज़हनी नशोनुमा को तश्कील दिया बल्कि यूरोप में जदीद साइंस की बुनियाद भी रखी। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द काजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ द इमर्जिंग मुस्लिम ट्रेंड्स टूवर्ड्स मॉडर्निज्म, मुसलमानों के जदीदियत की तरफ बढ़ते हुए रुझानात की वजूहत और असरात की वजाहत करें। तो 19वीं और 20वीं सदी में बहुत से मुस्लिम सोसाइटीज़ ने मगरबी इस्तेमार, टेक्नोलॉजी की तरक्की और बदलती हुई दुनिया के चैलेंज से निमटने के लिए जदीदियत के ख्यालात अपनाना शुरू किया है। तो ये जो जदीदियत थी, इसके रुझानात जो थे वो इस्लामी इकदार को जदीदियत के साथ हमाह करने की कोशिश करते थे, खासतौर पर सियासत, तालीम और साइंस के शोबों में। देन काजीज ऑफ मुस्लिम ट्रेंड्स टूवर्ड मॉडर्निज्म, मुसलमानों के जदीदियत की तरफ बढ़ते रुझानात के वजूहात क्या हैं। तो इसमें कॉलोनियलिज्म और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, बहुत से मुस्लिम ममालिक यूरोपीय ताकतों के जेर इस्तेमार थे जिसने उन्हें मगरबी ख्यालात, टेक्नोलॉजीज और सियासी निज़ामों के सामने लाया, और कॉलोनियल रोल जो था यानी इसने हुकूमत ने मुसलमानों में जदीदियत की तरफ बढ़ने की एक ज़रूरत पैदा की ताकि वो सियासी इकतसादी ताकत दोबारा हासिल कर सकें। देन डिक्लाइन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम दुनिया की तनजली, जो 19वीं सदी तक बहुत से मुस्लिम सल्तनतें जैसा कि उस्मानी सल्तनत दाखिली कमजोरियों और खारजी दबाव की वजह से जवाल पजीर हो चुकी थी, और मुस्लिम दानिशवरों ने, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने अपने मुआशरों को जदीद ख्यालात के जरिए जिंदा करने की तरीके तलाश किए, बगैर इस्लामी असूलों को यानी के छोड़ दिया, बगैर इस्लामी असूलों को तुर्क किए बगैर यानी उन्होंने जिंदा करने की कोशिश की, और साइंसी और तकनीकी तरक्यात में उन्होंने काम किया, मगर में साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की की जैसे कि असंती इनकलाब, और इसने बहुत से मुसलमानों को जदीद तालीम और इल्म की अहमियत का एहसास दिलाया ताकि वो आलमी सतह के ऊपर मुकाबला कर सकें। सो मुस्लिम रिफॉर्मर्स इनकरेज अडॉप्टिंग मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज वाइल मेंटेनिंग रिलीजियस वैल्यूज, मुस्लिम इस्लाह पसंदों ने मजहबी इकदार को बरकरार रखते हुए जदीद साइंस इल्म को अपनाने की तरगीब दी। देन डिज़ायर फॉर रिफॉर्म्स इन एजुकेशन, तालीम में इस्लाह की ख्वाहिश, तो रवायती जो दीनी तालीम थी जो कि फिक्र और नज़रियात के ऊपर मरकूज थी, तो जदीद ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी ये समझी जाने लगी। देन रिफॉर्मर्स कॉल्ड फॉर अ न्यू एजुकेशनल सिस्टम दैट कम्बाइन इस्लामिक स्टडीज़ विद मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इस्लाह पसंदों ने एक नई तालीमी निज़ाम की ज़रूरत पर जोर दिया जो इस्लामी जो मुतालात हैं उनको जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ मिलाने के लिए। सो इफेक्ट्स ऑफ मुस्लिम ट्रेंड्स टूवर्ड मॉडर्निज्म,
जदीदियत की जो तहरीकें थी तालीम के अंदर असलाहत की गई, इसने मुस्लिम मालिक में जदीद तालीमी इदारों के क्याम की रामवार की, जैसे कि ऐसी यूनिवर्सिटियाँ जो दीनी तालीम के साथ साइंस, इंजीनियरिंग और तिब की तालीम भी देती थी, और उसने मुसलमानों को आलमी तरक्यात में शिरकत करने की इजाज़त दी, जबकि उनकी सकाफती और मजहबी शनाख्त भी बरकरार रखी। सियासी तब्दीलियाँ आईं, मुस्लिम जदीदियत पसंदों ने यानी हुकूमती जमहूरी असलाहत और कानूनी निज़ाम की वकालत की, जो शरीयत यानी कि इस्लामी कानून और जदीद सियासी असूलों के दरमियान तवाज़ुन कायम करे। तो ये असलाहत इस्लामी हुकूमत और जदीद कौम के रियासतों के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने का मकसद रखती थी। देन इमरजेंस ऑफ इस्लामिक मॉडर्निज्म, इस्लामी जदीदियत का उभार आया। मुफक्किरीन जो थे जैसे जमालुद्दीन अफगान, मोहम्मद आबदा और इकबाल ने इस्लामी जदीदियत को फ़रोग दिया, जिसने ये दलील दी कि इस्लामी अक्ल इन साइंस और तारीख तरक्की के साथ आहंग है। तो उन्होंने यानी जो जदीद चैलेंजेस हैं उनके तनाजर में तालीमात की नई तशरीह के लिए इतिहाद मीन आज़ाद सोच का मुतालबा किया। देन सोशल एंड इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, फिर समाजी और इक्तसादी तरक्की हुई। जदीदियत ने इक्तसादी असलाहत की हौसला अफजाई की, जैसे कि बुनियादी ढांचे, सनत, तजारत को बेहतर बनाने के लिए मगरबी ताकतों के साथ मुकाबला करने के लिए, और ख्वातीन की तालीम और सेहत की देखभाल जैसे शोबों में भी समाजी असलाहत को फ़रोग दिया गया, ताकि मुस्लिम माशरों की मजमू तरक्की को बढ़ाया जा सके। फिर कल्चरल और आइडेंटिटी डिबेट्स थी, यानी जदीदियत के लिए पेश रफ्ते मुस्लिम माशरों में ये मुबासा शुरू किया कि मगरबी असरात को कितना कबूल किया जाना चाहिए। While some embraced modern ideas, other feared it would lead to erosion of Islamic traditions and values, creating tension between modernists and traditionalists. So, कुछ लोगों ने जदीद ख्यालात को अपनाया, वहीं दूसरे लोगों को खौफ था कि इससे इस्लामी रवायात और इकदार का नुकसान होगा, जिससे जदीद पसंद और रवायती लोगों के दरमियान कशीदगी पैदा की गई। सो मुसलमानों में जदीदियत की तरफ जो बढ़ते हुए रुझानात थे, उनका बढ़ना और साइंसी तरक्यात और मुस्लिम ताकत के जवाल को चैलेंजेस का जवाब देने की जरूरत से ज्यादा मुतहरक थे। तो दीज मूवमेंट्स ब्रॉट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स इन एजुकेशन, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, बट आल्सो लीड टू ऑनगोइंग डिबेट्स अबाउट द बैलेंस बिटवीन मॉडर्निटी एंड इस्लामिक ट्रेडिशंस। ये तरीका तालीम, सियासत और मुआशरत में नुमाया असलाहत ले आई, लेकिन इसके साथ ही जदीदियत और इस्लामी रवायात के दरमियान तवाज़ुन के बारे में जो जारी डिस्कशंस थी, मुबाइसे वो शुरू हो गए। सो हमने पास पेपर 2022 को हमने डिस्कस किया इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, इसके तो 7 क्वेश्चन थे। सो इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। यू लाइक आवर वीडियो, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।